हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम नेहा गुप्ता। आई एम गोइंग टू टीच यू जीके ऑफ क्लास सेकेंड। टुडे वी विल डू पेज नंबर 15 to 17। बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वांट टू प्रोवाइड यू आंसर्स ऑफ द टेस्ट दैट आई हैव टेकन लास्ट वीक। सो टेक आउट योर कॉपी एंड चेक द आंसर्स। सो दिस वॉज योर टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द क्लू बॉक्स टू राइट द करेक्ट आंसर। मीन्स हमें क्लू बॉक्स दिया गया था, हमें इसमें से चूज करके करेक्ट आंसर लिखना था। तो फर्स्ट इज, विच सी एनिमल हैज 8 आर्म्स। कौन से सी एनिमल के 8 आर्म्स होते हैं? तो आंसर इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। नाउ बी, नेहा राइट्स न्यूज फॉर ए न्यूज पेपर। सी इज ए जर्नलिस्ट। सो जर्नलिस्ट इज द राइट आंसर। नाउ सी पार्ट, केशव पांडे हेल्प्स टू अरेस्ट थीव्स एंड क्रिमिनल्स। ही इज ए पुलिसमैन। सो राइट आंसर इज पुलिसमैन। नाउ डी पार्ट, विकास चोपड़ा इज द हेड कुक एट होटल स्टार एंड सन। ही इज ए सेफ। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ ई पार्ट, इट हैज 5 आर्म्स एंड इट्स नेम साउंड्स लाइक ए फिश बट इट इज नॉट ए फिश। नेम इट। सो वॉट इज द नेम? स्टार फिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो वॉट यू मीन बाई मास कम्युनिकेशन? मास मीन्स एक ही खबर एक साथ बहुत सारे लोगों को देना मास मीन्स होता है। सो फर्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड सेकेंड इज रेडियो एंड थर्ड वन इज टेलीविजन। दीज आर द 3 मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 2 सी एनिमल्स। तो 2 सी एनिमल्स के नेम लिखने हैं। सो शार्क एंड वेल। यू कैन राइट एनी अदर। सो चेक इट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टेल मी हाउ मैनी मार्क्स यू गॉट। ओके नाउ टुडेज क्लास। सो दिस इज पेज नंबर 15, अक्रॉस द यूनिवर्स। मीन्स इस चैप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फिल इन द बॉक्सेस टू नो मोर अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए आपको इनको फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द सन इज ए स्टार। सन क्या होता है? एक स्टार होता है सन। नंबर 2, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स को। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। थर्ड, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 4, द अर्थ ऑर्बिट्स गोज अराउंड द सन। यानी अर्थ सन की ऑर्बिट में राउंड राउंड जाती है, यानी चक्कर लगाती है। 5th पार्ट, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर इज वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
नाउ सिक्स, सिक्स द प्लैनेट सैटर्न हैज द लार्जेस्ट रिंग अराउंड इट, मीन्स सैटर्न के चारों तरफ एक बहुत बड़ी रिंग होती है, किसके होती है, सैटर्न के। नंबर सेवन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, यानी मून पर सबसे पहले वो पहुंचने वाले या अपना पैर रखने वाले फर्स्ट मैन कौन से थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ एट, देयर आर एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, एट। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन इज, तो मरकरी, मरकरी इज द क्लोजेस्ट मीन सबसे पास में है, सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। एंड लास्ट, वी लिव ऑन द प्लैनेट, हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं, अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट यूनिवर्स इंफॉर्मेशन। द बेस्ट वे टू रिमेंबर द एट प्लैनेट्स इन ऑर्डर इज टू रिमेंबर, मीन्स हमें एट प्लैनेट्स को ऑर्डर में यानी क्रम में लर्न करने के लिए एक चीज़ लर्न करनी होगी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, मीन्स हमें इनको लाइन से लर्न करने के लिए, यानी सन के सबसे पास में मरकरी, फिर उसके बाद में वीनस, फिर अर्थ है, इस तरह से क्रम में कौन के सबसे पास में और कौन सबसे लास्ट में है उसका क्रम है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। सो माई का एम मीन्स वो है मरकरी, वी के वेरी के वी का मतलब है वीनस, एजुकेटेड के ई का मतलब है अर्थ, मदर के एम का मतलब है मार्स, यू जस्ट के जे का मतलब है जुपिटर, सर्व्ड के एस का मतलब है सैटर्न, एंड अस का यू का मतलब है यूरेनस, एंड नूडल्स के एन का मतलब है नेपच्यून। सो दीज आर द एट प्लैनेट्स, सो इन ऑर्डर वी हैव टू लर्न दीज लाइन्स। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 16, सो एट पेज नंबर 16, ग्रुप देम टुगेदर, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द कलेक्टेड नाउन्स यूजिंग द क्लू बॉक्स, मीन्स जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो इनके लिए कौन सी कलेक्टेड नाउन यूज करते हैं उनको हमें लिखना है, क्लू बॉक्स गिवन है हमें। सो फर्स्ट, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब सारे सोल्जर साथ में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्मी। सेकंड, ए स्वार्म ऑफ बीज, जब बीज सब साथ में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वार्म। थ्री, ए स्कूल ऑफ फिश, नाउ फोर्थ, ए प्राइड ऑफ लायंस, यानी जब कई सारे लायंस साथ में होते हैं तो क्या बोलते हैं, ए प्राइड ऑफ लायंस। फिफ्थ, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मीन्स एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नंबर सिक्स, ए पाइल ऑफ बुक्स, जब बुक्स बहुत सारी साथ में रखी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ए पाइल ऑफ बुक्स। नंबर सेवन, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स। एंड लास्ट एट, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच यानी जब बहुत सारे फ्लावर एक साथ कलेक्ट करके बंच बना दिया जाता है उसे बोलते हैं ए बंच ऑफ फ्लावर। सो दीज आर द वर्ड, हर्ड, स्कूल,
बंच, स्वार्म, पाइल, आर्मी, प्राइड एंड कॉलोनी, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउंस। इन्हें कलेक्टिव नाउंस कहते हैं और इन्हें इस तरह से यूज करते हैं। नाउ पेज नंबर 17। एट पेज नंबर 17 फोर कॉर्नर्स गिवन बिलो इज लीजास नेबरहुड मैप, मीन्स लीजा के नेबरहुड मीन्स जो चीज़ें आसपास हैं उसका मैप है। स्टडी द मैप एंड देम राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, मीन्स हमें जो सेंटेंस दिए रखे हैं उनको पिक्चर को देख के उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो फॉर इट फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट डायरेक्शंस। सो देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, दिस इज द सेंटर। सो राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन, अबव नॉर्थ डायरेक्शन एंड डाउन साउथ डायरेक्शन। सो दीज आर फोर मेन डायरेक्शंस। नाउ लुक दिस पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर वन इज लीजाज हाउस इज टू द डैश ऑफ द सुपर मार्केट। सो वेयर इज लीजाज हाउस, दिस इज लीजाज हाउस एंड वेयर इज सुपर मार्केट, सो दिस इज सुपर मार्केट। सो लीजाज हाउस इज द अबव साइड, सो अबव साइड विच डायरेक्शन नॉर्थ, सो वी हैव टू फिल नॉर्थ। लीजाज हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ द सुपर मार्केट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, सेंट एन हाई स्कूल इज टू द डैश ऑफ रियाज हाउस। सो वेयर इज सेंट एन हाई स्कूल, दिस इज द सेंट एन हाउस स्कूल एंड दिस इज रियाज हाउस। सो सेंट एन स्कूल इज डाउन साइड, मीन्स डाउन साइड विच डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। सो सेंट एन हाई स्कूल इज टू द साउथ ऑफ रियाज हाउस। द थर्ड वन इज इफ लीजाज इज एट द ब्रांच कोचिंग क्लासेस सी गोज टू द विजिट टू विजिट द सुपर मार्केट। सो वेयर इज दिस इज ब्रांच कोचिंग क्लासेस एंड वेयर इज सुपर मार्केट, सो उसे किस साइड जाना है, सुपरमार्केट जाना, तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। सो इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। सो आंसर विल बी ईस्ट। नाउ फोर्थ, रियाज फादर वाज एट द आर्मी कॉन्टोमेंट एरिया, ही ट्रेवल्स डैश टू पिक रियाज फ्रॉम सेंट एन हाई स्कूल। सो हेयर इज सेंट एन हाई स्कूल and this is the army continent area, so in which direction, west direction, so the answer will be west direction. Number 5, students walk from the school to reach the pizza shop. So this is the school and where is pizza shop? I think where is pizza shop? This one. This one is pizza shop. So उन्हें कौन सी direction में जाना पड़ेगा, ऊपर, above. So above is north direction. So answer will be north. So number 6, the tea garden is to the. So where is tea garden? This is tea garden to the supermarket. So supermarket is कौन सी direction? West direction. And last, Ria would go dash to have her favorite cookies at the tasty coffee shop. So
टेस्टी कॉफी शॉप एंड वेयर इज रियाज हाउस दिस वन. सो साउथ डायरेक्शन. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. लिजाज हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ द सुपर मार्केट. सेकेंड, सेंट एन हाई स्कूल इज टू द साउथ ऑफ रियाज हाउस. थर्ड, इफ लिजाज इज एट ब्रांस कोचिंग क्लासेस सी गोज ईस्ट टू द विजिट सुपर मार्केट. फोर्थ, रियाज फादर वॉज एट द आर्मी कंटोनमेंट एरिया. ही ट्रेवल्स वेस्ट टू पिक रिया फ्रॉम सेंट एन हाई स्कूल. स्टूडेंट्स वॉक नॉर्थ फ्रॉम द स्कूल टू रीच द पिज्जा शॉप. एंड सिक्स, द टी गार्डन इज टू द वेस्ट ऑफ द सुपर मार्केट. एंड लास्ट, रिया वुड गो साउथ टू हैव हर फेवरेट कुकीज एट द टेस्टी कॉफी शॉप. सो फॉर दिस पेज हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. You have to write this question in your notebook. First, write today's date. Page number 17, lesson names, four corners. The question is, write the names of four main directions. So, four main directions, east, west, north, and south. These are the four main directions. You can draw diagram also, east, west, north and south. So this is your homework. You have to do it in your notebook. Now I am stopping this video. We will meet again in next video. Complete your homework and fill your book properly. Till then, bye bye, take care.